महिला सशक्तिकरण के नाम पर जिस तरह से महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है वह कई बार देखने को मिल चुका है। नाम के लिए महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है लेकिन पति सीना फुलाकर पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह पहले भी सामने आ चुका है। पार्षद पंच सरपंच पति शपथ भी ले चुके हैं। सिर्फ नाम के लिए कठपुतली बनाकर महिलाओं को बैठाया जा रहा है जबकि उनके बगल में पतियों के लिए विशेष कुर्सियां लगाई गई हैं। ऐसा ही एक अज्ञानता भरा मामला सामने आया है जनपद पंचायत गंगेव के शपथ ग्रहण के दौरान, जब नव निर्वाचित जनपद अध्यक्ष ने अपने ही जनपद के लिए नई गढ़ी से निर्वाचित जनपद अध्यक्ष ममता तिवारी को बता दिया जबकि देख कर लिस्ट पढ़ रहे थे। आखिर करे क्या, सौगात में मिली कुर्सियों के पद की गरिमा तो तब रहेगी जब उसके योग्य हो। जब पढ़ने की योग्यता नहीं होगी तो पैसे और जाति बिरादरी के दम पर प्रतिनिधि चुने जाएंगे तो यही होगा। ऊल जलूल भाषण और दूसरों के सहारे पद का निर्वहन करने में इस तरह की कठिनाइयां तो आएंगी ही। आइए आपको सुनाते हैं किस तरह से गंगेव जनपद अध्यक्ष ने अपने ही जनपद की अध्यक्ष महिला को बताया है। नई गढ़ी जनपद पंचायत गंगेव के जनपद अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी जी, ममता कुंज बिहारी जी, गंगेव के जनपद अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी जी।